हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज रेलवे एएलपी का एग्ज़ाम को जो सेकंड शिफ्ट की थी 2 अगस्त की, उसका पेपर मैं लेके आया हूँ। जो पहली शिफ्ट के क्वेश्चन है वो मैंने पहले 2 वीडियो में बना के डाल दिया है, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन देख लीजिए, परफेक्ट यही क्वेश्चन है जो सेकंड क्वेश्चन में। इस वीडियो में ओनली फॉर मैं साइंस के क्वेश्चन लेके आया हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन लेके आऊँगा और कुछ इसमें भी है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप भी पर भी फॉलो कर सकते हो, यहाँ से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, या प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और सर्च बॉक्स में यहाँ पर टॉप स्टडी सर्च करिए और मुझे फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आपको हर प्रकार के जो डे बाई डे इन वीडियो की जो एक PDF मिल जाएगी, जहाँ पर इनके क्वेश्चन के सोल्यूशन होंगे। तो आइए अब चलते हैं अपने इन क्वेश्चनों के बारे में। तो दोस्तों इन क्वेश्चन ये है, इस तरह है, ये देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है साइंस का है दोस्तों, विटामिन डी से होने वाली बीमारी का कौन सी है। दोस्तों जितने भी विटामिन है वो आप पढ़ लीजिए, विटामिन से होने वाली बीमारी, विटामिन के स्रोत, विटामिनों के रासायनिक नाम, ये इनसे सब क्वेश्चन आते हैं विटामिन से। दोस्तों ये देख लो, पहली पारी में आया था विटामिन B12 और ई का जो रासायनिक नाम पूछा गया था, इसमें डी की जो बीमारी पूछ ली। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों प्रोटीन से, कि जो प्रोटीन से कि प्रोटीन से संबंधित प्रश्न था। अब ये पूरा कन्फर्म नहीं हो पाया कि वो प्रोटीन की कमी से था या सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में है, ऐसा कुछ प्रश्न आया था। तीसरा प्रश्न था दोस्तों कि जो हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने दिया था, ये क्वेश्चन आया था। और चौथा क्वेश्चन था कृत्रिम वर्षा कैसे करवाई जाती है, वो सिल्वर आयोडाइड से करवाई जाती है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन था पाँचवा कि आवेश किससे संबंधित, आवेश से संबंधित प्रश्न आए, आवेश की मात्रा क्या है, इसकी इकाइयाँ, इनके बारे में क्वेश्चन आया था। उसके बाद दोस्तों बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के बारे में भी क्वेश्चन आए थे कि बैक्टीरिया से, तो दोस्तों जितने भी बीमारियां हैं उनसे, जीवाणु से, कवक से, बैक्टीरिया से, वो सब पढ़ लीजिए आप। इसमें काली खांसी की बीमारी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, ये भी आंसर इसका क्वेश्चन आया। अब दोस्तों मैं 2-4 रीजनिंग के प्रश्न भी बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन रीजनिंग के भी है इसमें, कि 17 अक्टूबर 1989 में कौन सा दिन था मंगलवार, तो आंसर इसने मंगलवार था दोस्तों, ये कैलेंडर का क्वेश्चन आया। तीसरा क्वेश्चन ये भी आया था। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है कि त्रिभुजों की संख्या गिनना, यानी काफ़ी सारे त्रिभुज दिए थे और त्रिभुजों को काउंट करना था कि कितने त्रिभुज है। उसके बाद फ्यूज तार कैसे लगाई जाती है, ये भी क्वेश्चन आया था। एक दोस्तों GST का क्वेश्चन आया था। और एक जो लास्ट क्वेश्चन मैंने अभी देखा है कि बाबा रामदेव कौन से राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, वो उसका क्वेश्चन आया था। ये अभी तक इतने क्वेश्चन आए हैं मेरे पास और बाकी क्वेश्चन अभी आपको 20 मिनट के अंतर्गत मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे क्योंकि प्रतिदिन हम आपको ये लोको पायलट के जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम है वो शिफ्ट बाय शिफ्ट के तुरंत सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों जो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करने से इस तरह हो जाएगा। ऐसी और वीडियो दोस्तों पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।